नई सुबह ऑडियो कॉलम सर्विस में खुश आमदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है दहशतगर्दी, चीन, पाकिस्तान और दुनिया। कॉलम निगार है मजहर बल्लास और आवाज है नादिया सबा की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या फिर हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubah.org। इसमें शक नहीं कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान ने बड़ी जंग लड़ी है। दहशतगर्दों का खित्ते को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने का बड़ा मकसद तो मौशी तौर पर हालात को नाहमवार बनाना है, क्योंकि इस खित्ते में एक बड़ी मौशी ताकत चीन है। फिर चीन और पाकिस्तान ने सी पैक शुरू कर रखा है। दुनिया की अहम तरीन बंदरगाह गवादर को नाकाम बनाने के लिए कई ताकतें सरगर्म हैं। ये ताकतें दहशतगर्दी के जरिए अमनो अमान बर्बाद करके खित्ते की खुशहाली का रास्ता रोकना चाहती हैं। इस सिलसिले में कई मर्तबा भारतीय नेटवर्क पकड़े भी गए। दहशतगर्दी के हवाले से अक्वामे मुत्तहिदा की पॉलिसी पर चीन और पाकिस्तान ना सिर्फ अमल पैरा हैं, बल्कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भरपूर कोशिश भी कर रहे हैं ताकि दुनिया तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन हो। पाकिस्तान की तरह चीन की भी कोशिश है कि शहरियों के बुनियादी इंसानी हकूक मुतासिर ना हों। शायद इसकी बड़ी वजह यही है कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों के रॉ से जुड़े हुए नेटवर्क ने एक तरफ तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने की भरपूर कोशिश की तो दूसरी तरफ चीन के एक सरहदी सूबे में भी ऐसी ही काविशें की गयी। यहाँ दहशतगर्दी को हवा देने की वजह सादा सी है कि चीन ने पिछले चंद साल से अपनी तवज्जो सिंकियांग की तरफ मरकूज कर रखी है। पिछले 3 साल से जनूबी सिंकियांग में 1 लाख मजदूरों के लिए रोजगार के मंसूबे शुरू किए गए। इस इलाके में तेज रफ्तार तरक्की के तुफैल लाखों घराने गुर्बत से निकलकर खुशहाली के रास्ते पर चल पड़े। चीन सिंकियांग में रोजगार, तरक्की, तालीम और सेहत पर भरपूर तवज्जो दे रहा है। सिंकियांग के देही इलाकों में लोग कानून की हुक्मरानी का एहसास कम रखते हैं, इसीलिए वहां कानूनी दस्तावेजात का सिलसिला शुरू किया गया है। इनमें सिंकियांग एगोर खुद मुख्तार इलाके में कानून की तशहीर, तालीम को फरोग देने के जवाबित, नौजवानों की तालीमी बुनियादों को तैयार करने की राय और कानून की हुक्मरानी पर अमल शामिल हैं। समाज में आगाही के लिए मुख्तलिफ अयाम मनाने का सिलसिला भी शुरू किया गया है। चीन जराय में मुलविस अफराद के लिए शानदार पॉलिसी रखता है। उनकी जिंदगियों को बदलने के लिए उन्हें इस्लाही प्रोग्राम के जरिए तरक्की और खुशहाली की तरफ रागिब किया जाता है। अवामी जमहूरिया चीन के इंसदादे दहशतगर्दी से मुतालिका कानून के तहत मुजरिमों के लिए तौबा के दरवाजे खोले गए कि वो तौबा करके कौमी तरक्की के अमल में शामिल हो जाएं। पिछले चंद सालों में चीन की खास तवज्जो उन इलाकों पर है जो तरक्की की दौड़ में पीछे रह गए थे। ऐसे इलाकों में सिंकियांग भी है। यहाँ बड़ी तादाद में मुसलमान आबाद हैं। आपको याद होगा कि कोरोना के दिनों में चीनी सदर मुख्तलिफ मसाजिद में दुआ करवाने के लिए गए थे। चीन में मुकामी लोगों का रुझान भी देखा जाता है, इसीलिए सिंकियांग में मलबूसात, जूते और टोपियां बनाने के अलावा फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत के जोड़ तोड़, टाइप सेटिंग, कॉस्मेटोलॉजी, हेयर ड्रेसिंग, ई बिजनेस समेत दीगर तरबियती कोर्सेज शुरू किए गए हैं। पाकिस्तान ने तरक्की और खुशहाली के लिए पसमानदा इलाकों को चुना हुआ है। इन इलाकों में अमनो अमान को यकीनी बनाने के लिए हमारी फौज नुमाया किरदार अदा कर रही है। बलोचिस्तान में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किए गए ताकि दहशतगर्दों का सफाया हो सके। पाकिस्तानी फोर्सेज ने 16,000 अफराद को तालिबान की गिरफ्त से आजाद करवाया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तामीर तरक्की पर $1 अरब खर्च किए। हायर एजुकेशन कमीशन ने 2020 में अफगानी तालिब इल्मों के लिए 3,000 स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया जो 1.5 बिलियन की हामिल थी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फौजी अदालतों ने भी भरपूर किरदार अदा किया। इन अदालतों को 717 मुकदमात वसूल हुए जिनमें से 650 मुकदमात का फैसला हो चुका है। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए 601 बिलियन से मुख्तलिफ मनसूबों का आगाज हुआ। इन मनसूबों में ट्रांसपोर्ट, तालीम, सेहत, हाउसिंग, ज़राअत, सनत, सोशल वेलफेयर, मीडिया और दीगर शोबे शामिल हैं। सी पैक के हवाले से बातों को छोड़िए, सी पैक पर अमल दरामद किसी दौर में भी नहीं रुका। 2016 में बहावलपुर में 16 पावर प्लांट बने तो 2017 में घारो और झमपीर ठठा में हाइड्रो चाइना विंड फार्म बने। साहिवाल में कोल पावर प्लांट लगाया गया। 2018 में पोर्ट कासिम कराची कोल पावर प्लांट लगाया गया। इसी बरस 2 और पावर प्लांट लगाए गए।
2019 में थरकोल पावर प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इसी साल हब कोल पावर प्लांट शुरू हुआ। 2021 में कारोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आजाद कश्मीर और पंजाब में शुरू किया गया। इसमें शक नहीं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बहुत कुर्बानियां दी। हमारे आम लोग भी दहशतगर्दी का शिकार हुए। 86,000 पाकिस्तानी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद हुए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के सबब पाकिस्तान की मईशत पर $152 बिलियन से जायद का असर पड़ा, यानी पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। अब आ जाइए आखिर में रेकोडिक की तरफ। एक फैसले की वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ। हमें 11 अरब डॉलर्स की पेनल्टी पड़ गई थी। कार के केस में भी $1.2 बिलियन जुर्माना हो गया था, मगर फिर हिकमत से काम लिया गया और आउट ऑफ कोर्ट राजीनामा किया गया। बलूचिस्तान में अब $10 अरब की सरमायाकारी होगी। $255 मिलियन का सालाना रेवेन्यू होगा। 35 साल प्रोडक्शन में पाकिस्तान को $65 बिलियन का इंटरेस्ट भी मिलेगा। हजारों नौकरियां भी मिलेंगी। तालीम और तरक्की दहशतगर्दी के तमाम रास्तों को काट कर रख देंगी। ये खिता तरक्की करेगा और यहाँ खुशहाली का राज होगा। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के ज़राए इस्तेमाल कीजिए।